हरे कृष्णा फैम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज ना ये मैंने अभी एकदम से रैंडम व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, ये सोच के, क्योंकि कल मुझे जाना है बहुत स्पेशल जगह, मैं कुछ भी बोल देती हूँ एक्साइटमेंट में, बहुत स्पेशल जगह जाना है टू मीट माय लव 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 ऑफ माय लाइफ। ठीक है, तो मैं सोचा चलो आज व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आज मेरी सेकेंड नाइट ड्यूटी है। येस, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ, इसलिए यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, आईडी बैंड एंड ऑल। ठीक है, और अभी मैं आई हूँ लंच ब्रेक में, एक बजने वाला है, तो मैंने सोचा, सॉरी लंच नहीं, डिनर ब्रेक में आई हूँ। ठीक है, और दिन लंच ब्रेक होता है ना, तो वो हैबिट हो गई है भूलने की, इसीलिए। तो अभी मैं डिनर ब्रेक पे हूँ, अभी अपना डिनर लूँगी, और फिर अभी पेशेंट का काम भी चल रहा है ऐसे ऐसे, तो अभी मैं छोटी छोटी ना आपको यहाँ पे दिखाती रहूँगी ऐसे ग्लिम्स वगैरह, तो आप वो देखते रहना, इन्जॉय करते रहना, होपफुली आपको अच्छा लगे, और देखना कि कौन है, किससे मिलने जा रही हूँ आखिर इतना। अब इस टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए, तो मैं अभी पूरा व्लॉग करने वाली हूँ उस चीज़ को, और आप व्लॉग में बने रहना। यू गाइज मस्ट बी वॉन्डरिंग कि मैं इतना, मतलब इतना प्लेन सा क्या खा रही हूँ। तो एक्चुअली में साबूदाने की खिचड़ी है, क्योंकि आज एकादशी का फास्ट है, तो मैंने ये बनाया था ड्यूटी के लिए, और अभी मैं खा रही हूँ। बाय द वे, मैंने शाम को 4 बजे खाया था, सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो मैंने 4 बजे भी ये लिया था, और अभी भूख लगी थी तो मैं यहाँ ले आई, क्योंकि ऐसे भूखे पेट काम करना सही नहीं है ना ड्यूटी में, इसीलिए। तो मैंने इसमें आलू डाला है, पीनट्स डाले हैं, और पूरा भर भर के घी डाले, मतलब 3-4 चम्मच घी डाले थे, तो बहुत मस्त टेस्ट आ रहा है उस चीज़ का। तो अभी मैं ये खा रही हूँ, और खाने से पहले अभी आपने देखा होगा मैंने लाइक भगवान जी का नाम लिया। ठीक है, तो आप कोई से भी रिलीजन के हो, तो आई ट्रूली बिलीव इन दिस थिंग कि आप कोई से भी रिलीजन के हो ना, अपने खाने से पहले, अच्छी कामों से पहले, मतलब हर बात में आपको भगवान को याद करना चाहिए, राइट? तो अगर आप नहीं करते हो तो स्टार्ट कर दो, बहुत बेनिफिट होता है, मतलब बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अब मैं खाती हूँ, बाय। सो दीज आर द नेम्स ऑफ द पेशेंट। ठीक है, और हमें पता चलता है पेशेंट है कौन, डिस्चार्ज है कौन, अभी है किसके वाइटल्स लेने हैं, तो इट बिकम्स इजी फॉर अस। सो गाइज, राइट नाउ आई एम इन दिस स्टोर, जहाँ पे कि मुझे पेशेंट के लिए फ्लूड्स लेने हैं, पर मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहे, पता नहीं कहाँ होंगे, क्योंकि मैं यहाँ सेकंड टाइम आ रही हूँ। पिछली बार आई थी तो सीनियर के साथ आई थी, तो उन्होंने एकदम से सामान निकाला था और लेके चले गए थे, लेकिन आई हैव टू फाइंड इट आउट कि कहाँ पे है। और इतना बड़ा स्टोर है ना, बहुत स्मॉल इसमें ऐसे ड्रॉअर्स टाइप के बने हुए हैं, तो आई हैव टू फाइंड इट आउट, इट विल टेक सम टाइम आई थिंक, ऑफकोर्स इट विल। देयर इट इज, ओ आई थिंक इट्स इन द अनदर स्टोर, सो बैड ऑफ मी, नो आई विल हैव टू गो देयर नाउ। फाइनली मुझे मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी, इतने सारे बॉक्सेज है ना यहाँ पे भी, देखो पूरा बॉक्सेस से भरा हुआ रूम, तो इनको 1 घंटा लग गया मुझे, और लिटरली 1 घंटा तो नहीं लगा है, लेकिन हाँ 5-7 मिनट्स मुझे पूरे पूरे हो गए। नाउ आई एम गोइंग बैक टू द वॉट, बाय बाय। तो वापस मैं आ गई हूँ पेंट्री में, और अभी मैं पी रही हूँ हॉट चॉकलेट, जो कि यहीं से मिलती है ऑफकोर्स। और अभी टाइम हो रहा है शायद 4 बजने वाले हैं, और अभी पेशेंट है नहीं, तो यहाँ पे जो क्लीनिंग वगैरह काम होता है ना, जो डोमेस्टिक हेल्प वो आते हैं, हाउस हेल्प वाले, वो सब कुछ हो चुका है। हमने जो करके रखना होता है, चेक्स वगैरह का, कोई मेडिसिन एक्सपायरी ना हो रही हो, ग्लव्स, मतलब इन्वेंट्री पूरे वार्ड में सही से है कि नहीं है, वो सब कुछ चेक करना होता है, तो ऑल हैज बीन डन। तो अभी मैं पी रही हूँ अपनी मिड नाइट कॉफी, क्योंकि हल्की सी नींद आने लगी थी, तो मैं सोचा ये पी लेती हूँ ना, इसीलिए आज मैं हॉट चॉकलेट पी रही हूँ, क्योंकि फास्ट है तो ये तो पी सकते हैं। और फास्ट खोलने के लिए ना मैं यहीं से बिस्किट खा लूँगी, वैसे तो चावल से खोलने चाहिए, पर मैं चावल लाना तो भूल गई हूँ, तो अभी बिस्किट से काम चलाऊँगी। सो फाइनली मेरा ओवर हो गया, जल्दी से मैं जा रही हूँ बस स्टॉप में। मेरी बस पहले 8:21 की थी, लेकिन अब शेड्यूल हो गई है 8:19 की, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना है वहाँ पे। अगर ये बस निकल गई तो आई थिंक सीधा 15-20 मिनट बाद होगी, और मुझे करना नहीं है, क्योंकि मुझे जगह पे जाना है ना, आपको बताया था, हाँ जल्दी जल्दी पहुँचना है इसीलिए। सो आई हैव टू रन नाउ, यू नो आई विल हैव टू फास्ट। एंड द गुड थिंग इज कि आज यहाँ पे धूप निकली है, तो मज़ा आ रहा है, बहुत टाइम बाद ऐसे देख रही हूँ सुबह सुबह धूप। अदरवाइज यहाँ पे मोस्टली क्लाउडी रहता है सुबह, और दिन के टाइम में शाम को 9-10 बजे तक धूप रहती है, लेकिन आज सुबह सुबह धूप के दर्शन हो गए तो मज़ा आ गया, सूर्य नमस्कार भी हो गया मेरा।
मेरा यहाँ पे जल्दी आने का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मेरी बस निकल चुकी है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे दूसरी बस पकड़नी है, उसके बाद दूसरी बस भी पकड़नी है, उसके बाद पैदल चलना है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी नेल पेंट देख लो, बहुत अच्छी नहीं लग रही है, मुझे पता है, मैं चेंज करूँगी इसको। ये मैंने बस फन के लिए लगा दिया था ऐसे ही, बट अब मैं चेंज करूँगी इसको घर जाकर। I need to tap this. कौन सी की है, लेट मी फाइंड आउट। नेल पेंट पूरे हाथ में लग गई है, दिस वन। सो गाइस, अब हमारा नाश्ता भी तैयार है। शैल ने बनाया है यहाँ पे चीले, इसके आपको पता ही होगा, बेसन की चीले, और ये मस्त वाली चाय। ये बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर आपको संस्कारी लड़की चाहिए हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, वी आर रेडी, और मैं पूरा तैयार हो चुकी हूँ। जैसे शैलदीप, हमें ट्रेन के लिए लेट हो रहा है, तो हम बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी चले, पर ये मौसम साथ नहीं देगा क्या आज। बहुत हवा चल रही है, ये देखो पूरा गेटअप आपको दिखाऊंगी अभी सही से, ओके। चलो बाय, ये व्लॉग यहीं तक का था, थैंक यू सो मच देखने के लिए। और अब यहाँ से मेरा नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ, वट एवर। तो अब आप वो देखते रहना, ओके बाय। Thank you.